नीलम लगातार आवाज़ उठाती रहती हैं, दिन हो या रात 24/7 अपना घर परिवार बच्चे भी नहीं देखती हैं और लगातार जुझारू तौर से लगी रहती हैं। यह काम करने का सिला क्या मिला यह शायद पूरा देश जानता है, और वह ये था कि उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, उनका चैनल बंद कर दिया जाता है, उनके मोबाइल तक छीन लिए जाते हैं, आर्थिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाती हैं। यह सिला मिला समाज का काम करने के लिए 24/7 यानी 24 घंटे सातों दिन काम करने का। हम पूरा माजरा जानेंगे नीलम बॉस से, क्या माजरा था नीलम जो इतनी परेशानियों में आपको आने लगा और इस तरीके की चीज़ें सामने आई, आपके ऊपर लाठी चार्ज हुई। फेसबुक ट्विटर के माध्यम से पूरा देश ये बात जानना चाहता है और हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या माजरा था जिसकी वजह से लाठी चार्ज वगैरह जैसी आपके ऊपर एक्रोसिटी ही बोलेंगे वह हुई, क्या कहेंगे? देखिए सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जिस बहुजन मीडिया की बात करते हैं हम, क्योंकि हम एकता की बात करते हैं, लेकिन हम लगातार जो मनुवादी मीडिया है उसको तो कोसने का काम करते हैं, लेकिन जब बात आती है बहुजन मीडिया की तो कहीं ना कहीं हमें एक संगठन दिखाई देता है, लेकिन वो संगठन भी आज कितने टुकड़ों में बटा हुआ है। उसका जीता जागता उदाहरण नाहरपुर रोहिणी सेक्टर 7 की वो घटना है, जहाँ पर कि सुबह 4 बजे बाबा साहब की मूर्ति को हटाया गया प्रशासन की तरफ से। तो इस मुद्दे पर कोई बहुजन मीडिया नहीं बोलता है, कोई बहुजन मीडिया उस खबर को कवरेज नहीं देता है किसी भी तरह से, जबकि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा था। जो 2-4 संगठन निकल कर आए इस घटना को बड़ी मतलब बारीकी से रख रहे थे सोशल मीडिया पर, और लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि भाई इस तरह से दिल्ली के इस क्षेत्र में घटना घटी है और लोग आइए और संगठित होइए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कीजिए। लेकिन जिस तरह से अभी बात की आपने कि आज जिस तरह से मीडिया का भी गला घोटने का काम किया जा रहा है, तो इसी से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि आखिर आज लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, उसको भी किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको घटना बताऊंगी। 8 तारीख की अभी फिलहाल में घटना है, सुबह के 4 बजे रोहिणी सेक्टर 7 नाहरपुर, जो कि अंबेडकर भवन है उसी के पास में डीडीए का पार्क है, वहाँ के लोग कहते हैं कि जो ये डीडीए की जमीन है ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन वहीं डीडीए दावा करते हैं कि ये जमीन डीडीए की है। अब दोनों पक्ष आमने सामने है और पिछले कई सालों से हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था, लेकिन हाई कोर्ट में अभी जो फैसला आया वो डीडीए के फेवर में आया। डीडीए ने साफ साफ कहा कि जो बाबा साहब की स्टैचू है वहाँ से हट जाए और इस पर पूरा कब्जा डीडीए का होगा, और उसी से जो लोगों की नाराजगी पनपी, क्योंकि लोग जो दावा कर रहे हैं, जो गाँव के लोग हैं नाहरपुर के, वो दावा कर रहे हैं कि 55 साल से ये जमीन हमारी और ये जमीन पुश्तैनी जमीन है, और पिछले 25-26 साल से वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, लगातार लोग वहाँ पर बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाते आ रहे हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर एक समाज की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उन्होंने जो फैसला वो डीडीए के फेवर में दिया, लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि सुबह के 4 बजे आखिर मूर्ति को हटाने का क्या संदर्भ बनता है? अगर जब आपके पास में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहां पर जो पुलिस बल शासन है कम से कम 15 या 2000 की तरीके से हटा सकते हैं, वहां पर तैनात थी पुलिस, मतलब 1500 से लेकर 2000 की संख्या में, आप समझ सकते हैं कहां 50-60 लोग या एक छोटा सा गांव, कहां इतनी भारी संख्या में पुलिस। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की बात करूँ या मैं सरकार की बात करूँ, आखिर चल क्या रहा है। अगर आपको बाबा साहब की स्टैचू हटानी थी तो दिन में हटाते, क्योंकि आपके पास में ऑर्डर है, रात के अंधेरे में नहीं हटाना चाहिए, अंधेरे में क्यों नहीं। लेकिन वहाँ पर घटना क्या घटती है कि कुछ समाज की महिलाएं वहाँ पर आती हैं, जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, वो रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन देखिए पुलिस की तानाशाही, जो मेल पुलिस होते हैं, मैं यहाँ पर फीमेल की बात नहीं करूँ, जो मेल पुलिस होते हैं वो वहाँ से 4 महिलाओं को सुबह 4 बजे अरेस्ट करते हैं नाहरपुर से, और अरेस्ट करके उनको पता नहीं पूरी दिल्ली में कहां कहां घुमाया जाता है, उन महिलाओं तक कहीं नहीं पता। सुबह लोगों को पता चलता है तो वहां पर अंबेडकर भवन है नाहरपुर में ही, वहां पर लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, लमसम में 50 या 60 लोग होंगे, जिसमें कि मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं आपको, इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सतपाल तंवर कर रहे थे, जो कि भीम सेना के अध्यक्ष हैं। अब वहाँ पर जिस तरह से धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे, तो लोगों ने अपनी डिमांड रखी कि भाई आज जितने भी, चाहे डीडीए के पार्क हो या हम जो फुटपाथों पर निकलते हैं, रोडों पर निकलते, बहुत सारे मंदिर हैं, उनको क्यों नहीं हटाती है सरकार? अगर हटाना तो सबको हटाइए, सिर्फ पर्टिकुलर एक समाज को टारगेट करते हो, या बहुजन महान पुरुषों के जो महान पुरुष रहे हैं उनको टारगेट करते हो, सिर्फ उन्हीं को टारगेट क्यों किया जाता है? तो वहाँ पर लोगों की जो उम्मीद थी, एक अपील थी प्रशासन से, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जब तक बाबा साहब की जो प्रतिमा है सह सम्मान दोबारा से वहाँ पर स्थापित नहीं हो जाती, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, बस इतना ही कहना था। उसके बाद में एक आईओ आता है, वो अनाउंसमेंट करता है माइक के द्वारा कि यहाँ पर 140 धारा लगी हुई है और आप सभी यहाँ से खड़े हो जाइए, बस इतना कहना था। उसके बाद वहाँ पर जो फोर्स तैनात थी उस दिन, तो काफ़ी मेरे ख्याल से
तीन या 3,500 की संख्या में पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, सभी टुकड़ियाँ थी अलग अलग तरह से। उन्होंने एकदम अनाउंस करने के बाद लाठी चार्ज कर दिया वहाँ पर, और लाठी चार्ज जैसे किया तो उस समय मैं और एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी वहाँ पर कवरेज कर रहे थे, एक चैनल और था अपने ही बहुजन समाज से, और दो चैनल वो थे जो कि पुलिस के द्वारा अपने निजी तौर पर उन्होंने बुला रखे थे। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही लाठी चार्ज होती है हम कवरेज कर रहे हैं, हम बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी है, निहत्ते लोगों पर लाठियाँ चार्ज कर दी जाती है, वहाँ पर ना किसी महिला को देखा जाता है कि कौन महिला है कौन पुरुष, मतलब जो हत्ते चढ़ता है उसको मारते पीटते हैं। और इसी में ये हुआ कि पीछे से आकर कुछ पुलिसकर्मी वकील साहब को पकड़ते हैं, धक्का मारते हैं और उनका जो मोबाइल है उसको छीनने का काम करते हैं, क्योंकि उसी से वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। एक तरफ पीछे से 4-5 पुलिसकर्मी आते हैं, वो मुझे पकड़ते हैं और मेरा माइक लीड वीड सारा तोड़ने का काम करते हैं। और महिला पुरुषों ने महिला ने पकड़ा आपको ये यही तो सोचने वाली बात है ना, महिला नहीं थी वहाँ पर, महिलाएं कुछ कर्मी थी वहाँ पर पुलिस की, वो साइड में खड़ी थी, लेकिन जो एकदम से जो हमला बोला गया वो पुलिस जो कि मतलब पुरुष थे उनके द्वारा बोला गया। और इतना ही नहीं, मतलब अब भद्र माँ बहन की गालियाँ दी जा रही है, तो इसी से आप सोच सकते हैं जेब पकड़ लेना, गलेवान पकड़ लेना, पीछे से कस के पकड़ लेना, कि कहाँ की सभ्यता है और किसने इजाज़त दी। अगर हम संवैधानिक तौर पे भी चाहे 144 धारा की बात करें तो मीडिया को कवरेज करने की पूरी आज़ादी है, मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो किसी भी जगह जाकर स्वतंत्र रूप से आवाज़, जो जनता की आवाज़ जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है उसको कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो मीडिया है उसकी आवाज़ को भी दबाने का काम किया जाता है और वहाँ पर लात घूसे लाठी चार से बुरी तरह से लोगों को पीटा जाता, और इसी कड़ी में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी को भी घसीट कर लेके गया गाड़ी में, लात घुसे सब कुछ उन्होंने मतलब इस्तेमाल किया बुरी तरह से। फिर गाड़ी के अंदर उन्होंने वकील साहब की जेब में से फोन भी निकाला, जे हमारा जो बैग था वो भी मतलब उसमें सारा मीडिया का सामान था, स्टैंड वगैरह, आईडी, और उसमें कुछ हमारा कैश अमाउंट भी था, हमारी आईडी भी थी, घर की चाबी, स्कूटी की चाबी, मतलब और भी कई जो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे वो उसमें सम्मिलित थे। तो हमने तुरंत जो एक महिला थी आईओ उसने आके बीच में आनंद फानंद करके मुझे छुड़वाया वहां से, उसने उन पुलिसकर्मियों, मैं देखो उसकी तारीफ करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जब एकदम से लाठी चार्ज होता है, एकदम से पुलिसकर्मी टूटते हैं, तब वो महिला भी वहाँ पर खड़ी थी, उसने एक बार ही भी ये संज्ञान में नहीं लिया कि भाई आप महिलाओं के ऊपर हाथ मत उठाइए। तो उसने वहाँ से बीच बचाव करा, उनसे भी काफ़ी झड़प हुई, मैंने कहा कि देखिए ये पुलिस प्रशासन किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा, माँ बहन की गालियाँ दे रहा, तो ये क्या चल रहा है। तो फिर उन्होंने बीच में पढ़ के मतलब मामला शांत कराया, और फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि भाई हमारे जो कैमरामैन है वो गाड़ी में है वकील साहब, मतलब उनको उतारिए नीचे, राइट नहीं बता, क्योंकि वहाँ पर कम से कम 30-32 लोगों को डिटेन किया था पुलिस के द्वारा गाड़ियों में, मतलब जैसे जो मिला उसको मतलब घसीट के गाड़ियों में डाल दिया। तो फिर उन्होंने आवाज़ लगाई तो वकील साहब को नीचे उतारा गया, लेकिन वहाँ पर वकील साहब का ना तो फ़ोन दिया गया जो हमारा फ़ोन था, और ना ही हमारा बैग दिया गया जो हमारा कैश वैश जिसमें जो भी पूरा सामान था, जो पॉकेट बैग होता है वकील साहब का वो तो उन्होंने वापस कर दिया था, लेकिन उसके अलावा कोई भी सामान हमारा वापस नहीं दिया। उसके बाद हमने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया, 100 नंबर की गाड़ी आती, हमने उसको पूरी अपनी बात लिखवाई किस इस तरह से ये हुआ है, और उसके बाद हम थाने में गए और हमने वहाँ पर जो आईओ है उससे भी बात की लगातार। वो महिला ये कहती रही, जो आईओ महिला थी शर्मा थी आई थिंक उसका सरनेम मैं जहाँ तक जानती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम आपका सामान दिलवा देंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन वो भी वहाँ से चले गए, जो गाड़ियाँ जिन पर डिटेंड किया था वो कंझावला की तरफ तीनों गाड़ियाँ रवाना हो गई। तो उसके बाद होता है क्या कि लगातार हम वहाँ पर पुलिस से संपर्क बनाते कि भाई ये कर दीजिए, हमारा देखिए हमारा सामान है ये, तो वो हमें आश्वासन देते रहे कि हम दिलवा देंगे, लेकिन वकील साहब को सर में भी चोट लगी थी काफ़ी, और उसके बाद मतलब पीछे कमर पर भी चोट थी, हाथ पैर पर भी, मतलब जिस तरह से उन्होंने गुम चोटें मारी, क्योंकि आपको पता ही है, लेकिन सर में काफ़ी चोट आई थी उनका, काफ़ी मोटा हो गया। तो फिर हम पास में ही अम्बेडकर हॉस्पिटल है, हम वहाँ पर गए, हमने MLC कराई, रात के 11 बजे तक हमारी MLC हुई। MLC के बाद एक तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि वहाँ पर जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि भाई जो भी आपके इसमें आईओ अपॉइंट हुआ है आप उसको बुलाइए, हम तब MLC करेंगे। तो हमने लगातार कम से कम 30-35 फ़ोन उस दिन आईओ को थाने में किए, लेकिन उस आईओ ने हमारा एक भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद में रात को हम तकरीबन 12:30-1 बजे थाने पहुँचते हैं, जो कि रोहिणी सेक्टर 7 का थाना है, उसमें पहुँचते हैं। फिर कुछ लोगों से हमने चर्चा की, वो कह रहे जी पता नहीं कहाँ है कौन से हैं, तो हमने उस आईओ का भी नाम जाना जो हमारे केस में अपॉइंट किया था, जो हमने कंप्लेंट कराई थी। तो फिर उन्होंने बताया क्या नाम है, ये आईओ है, एक व्यक्ति ने वहाँ मुझे इशारा किया, देखिए वो खड़े हैं, उन्होंने इशारे में बताया, जबकि मैं कंटिन्यू थाने में खड़े होकर भी उनको फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। फिर जब उनसे बात हुई तो मैंने कहा सर ये कहाँ की सभ्यता, हम इतनी देर से आपको कॉल कर रहे हैं, कम से कम आप हमारा फ़ोन रिसीव करके। तो उन्होंने बस यही कहा कि मैडम आपने देखा है वहाँ पर क्या चल रहा था, और ये है वो है, हमें नहीं पता आपका फ़ोन कहाँ गया होगा। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपका फ़ोन दे देंगे। अब हमें पुलिस पे देखो तो थोड़ा विश्वास भी था कि चलो भाई पुलिस प्रशासन है, लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, और पुलिस को एक सुरक्षा के तहत हम देखते हैं। लेकिन वहां पर होता है क्या है कि हमें रात के 2 बजे तक अटकाया गया, और 2 बजे तक हमारा फोन नहीं दिया, और 2 बजे ही रात के 2:30 बजे जो 8 महिलाएं थी जिनको मतलब पुलिस ने पकड़ा था उनको तो छोड़ दिया था, लेकिन जो लोग थे वहां पर उनको नहीं छोड़ा था अभी, बाकी 18 लोग वहां पर मतलब हिरासत में थे। फिर उसके बाद होता है क्या है कि
अगले दिन वकील साहब का एग्जाम होता है, एग्जाम देने चले जाते हैं, फिर हम एग्जाम देने के बाद मतलब फिर थाने पहुंचते हैं। हम लगातार कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, सर हमारा फ़ोन बताइए, हमारा बैग बताइए, जो भी हमारा सामान है उसमें, लेकिन पुलिस की तरफ से वही आश्वासन कि हम दिलवा देंगे, होगा तो हम देंगे, हमारे पास ही आ जाए। लेकिन लास्ट में होता है क्या है, अगले तीसरे दिन जो 10 लोग थे उनकी जमानत मिल जाती है, फिर उससे अगले दिन चौथे दिन जो 8 लोग थे जिन पे गंभीर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें कि सतपाल तंवर और भी कई लोग थे, उनको जमानत मिल जाती है। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई सबकी जमानत हुई है, अब तो शायद हमारा सामान मिल जाना चाहिए, हम फिर थाने जाते हैं, फिर लगातार हम यही उम्मीद लगता करते हैं कि भाई हमारा सामान मिल जाए, लेकिन ना तो हमारी कंप्लेंट लेने के लिए तैयार होते हैं, वो बार बार कहते हैं कि हाँ हम आपकी कंप्लेंट ले लेंगे, अभी देख रहे हैं देख रहे हैं, मतलब ऐसे करके उन्होंने 4 दिन हमारे निकाल दिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये तो रवैया बहुत ही मतलब लचीला है पुलिस का, ना तो वो एक कार्रवाई कर रहा है, जब हमारा राइट हमारा सामान छिना है तो कहीं ना कहीं इनको हमारे लिए हेल्प के लिए आगे आना चाहिए। फिर लास्ट में जब हमने देखा कि भाई हमने लोगों से भी अपील की काफ़ी, और मतलब सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा काफ़ी उछला, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये निकल कर आई कि जब हम थाने में गए तो लास्ट में हमें ये सुनने को मिला कि आपका हमारे पास में कोई सामान नहीं है, हो सकता है आपका कहीं गिर गया हो। ये देखिए उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कहीं गिर गया हो, जबकि ये वहाँ पर वकील साहब बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने उनकी जेब से निकाला है, बैग भी छीना है, और घसीटते हुए जिस तरह से गाड़ी में लेकर गए थे, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आज जो मीडिया है उसका गला किस तरह से दबाया जा रहा। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठी, तो मैंने समाज के कुछ लोगों से, जैसे कि सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि नीलम जी आप हमें अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम कुछ सहयोग करेंगे। अब सोचने वाली बात यह कि बहुजन समाज का तबका इस देश में कितना बड़ा है। हम बात करते हैं कि हम सुख दुख में साथ खड़े, हम शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें, लेकिन आज जब संघर्ष आदमी पिटता है छुटता है तो वो खुद संघर्ष करता है। संगठित होने की बात आती है तो कौन संगठित होना है, अगर हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम संघ एक संगठन संगठित होता है, ना कि वहाँ पर पूरा बहुजन समाज इकट्ठा होता है। लेकिन शिक्षित बनने की बात है तो शिक्षा में वही है कि आज हम निजी तौर पर अपने लिए शिक्षा ले रहे, अपने परिवार के शिक्षा ले रहे, हमें समाज से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर इतने लोगों से अपील की, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी सहयोग के लिए, और आपको जानकर हैरानी होगी सुरेंद्र जी, मेरा कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ, उसमें से मात्र सिर्फ बहुजन समाज के लोग जो कि सोशल मीडिया पर सिर्फ मुझे 5 हज़ार रुपये का सहयोग करते हैं, और वो सहयोग भी उन लोगों ने किया जो धरातल पर जमीनी तौर पर ग्राउंड पर आकर मिशन मोड से मजबूत नहीं है, काम करते हैं, अपने परिवार को भी चलाते हैं। तो इससे सोच सकते हैं आप कि किस तरह से जब समाज पे कोई भी व्यक्ति को टारगेट किया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा चैनल भी ब्लॉक कर दिया गया, और चैनल ब्लॉक करने के बाद जितनी मेरी पुरानी वीडियो थी जो नीलम बोध के नाम से थी, मैक्सिमम सारी वीडियो को येल्लो कर दिया गया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो हम पे शारीरिक अत्याचार होता है, फिर मानसिक अत्याचार भी होता है, फिर उसके ऊपर से जो आर्थिक कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत कमा लेते हैं उस पर भी लगाम लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मुझे दुख ये है कि ये जो मुद्दा इतना तेजी से उछाल, ना ही तो किसी बहुजन मीडिया ने कवर किया, ना ही किसी पार्टी के पदाधिकारी ने एक बार कॉल मुझसे की करके पूछी, और ना ही किसी बुद्धिजीवी समाज के, जो कि अपने आप को मतलब मैं कहूँगी कि एक तरह से बुद्धिजीवी बोलते हैं, समाज में आंदोलनकारी बोलते हैं, जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पर उनके 2 या 3 दिन बाद ही प्रोफेसर रतन लाल जी का मुद्दा उछला, उस पर लोगों ने ट्वीट कर करके करके, मैं मानती हूँ अच्छी बात है कि समाज को एकता दिखानी चाहिए, और ये समाज की एकता ही थी कि 24 घंटे से पहले उनकी बेल हो गई। तो जिस तरह से आपने प्रोफेसर रतनलाल जी के लिए हैशटैग चलाया, ट्विटर पे चलाया, सोशल मीडिया पे चलाया, हर तरह से चलाया, क्या हम समाज के लिए काम नहीं करते, क्या हम समाज के लिए ग्राउंड में जाकर रिपोर्टिंग नहीं करते? और रिपोर्टिंग छोड़िए, मैं कहूँगी कि कुछ लोगों ने तो ये तक कहा क्या नीलम बोध हमसे पूछ के गई थी। आप सोचिए कि लोगों की थिंकिंग क्या है। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि वो लोग मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश में कवरेज करने के लिए क्या उन्होंने मुझसे कहा था, जब मैं पूरे उत्तर प्रदेश में 2-2.5 महीने लगातार सर्दी में, चाहे मेरे को 2-3 दिन नहाए बिना हुए, मैं अपने बच्चे को छोड़ के अपने फ्यूल से सब कुछ करके मैं उत्तर प्रदेश में कवरेज किया, क्या मुझे किसी पार्टी ने आदेश किया था? लेकिन दुख तब होता है जब हम जिन संगठनों में जुड़कर काम करते हैं मिशन मूवमेंट का, लेकिन तब वो संगठन हमसे मुँह फेरता नजर आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी, खासकर मैं जितने भी संगठन हैं उनसे भी कहना चाहूँगी और बहुजन मीडिया से भी कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए वो सिर्फ आपको जिस तरह से एक आप उदाहरण के तौर पे देखते हैं सुनते हैं कि जब एक मुर्गा पिंजरे में बंद होते हैं, बहुत सारे मुर्गे उनको दाना डालता है तो बड़े आराम से खाते, लेकिन जब एक मुर्गा बाहर निकाल दिया जाता है, उसकी गर्दन को काट दिया जाता है, तो सारे मुर्गे ये बनकर देखते हैं कि हमें थोड़ी काटा है, कोई आवाज़ नहीं उठाता, वो फिर दाना चुगने में लग जाते हैं। तो यही समाज के साथ भी होने वाला कि एक एक करके, चाहे वो बहुजन मीडिया हो, समाज के संगठन हो, या समाज के बुद्धिजीवी हो, एक एक करके बारिश सबकी आनी है। तो जरूरत आपको संगठित होने की, अगर संगठित होते तो अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को आप बचा पाओगे, वरना आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सत्ता हमारे ऊपर सरकार में जिस मानसिकता के लोग बैठे हैं, प्रशासन से लेकर अगर सत्ता की बात करूं तो सारे, चाहे न्यायपालिका की बात करूं, विधानपालिका की बात करूं, या कार्यपालिका की बात करूं, तीनों ही जगह उस मानसिकता के लोग बैठे हैं जो लगातार आपका शोषण करना चाहते हैं, आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, और वो दिन दूर नहीं होगा अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, जिस तरह से मनु
जो स्मृति थी उसके आधार पर देश चलता था, तो वो दिन दूर नहीं होगा। आप संविधान संविधान की बात करते हैं कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ, जब अपना एक मीडिया पिटता है तो संविधान कहाँ चला जाता है, आपके अधिकार कहाँ चले जाते हैं? क्या आप उस समय एक तरह से वाइस हो जाते हो? आप सिर्फ इसलिए नीलम बोध की आवाज़ नहीं उठाते कि कल को हम नीलम बोध की आवाज़ उठाते हैं, नीलम बोध को TRP ना मिल जाए? अगर ये सोचकर आप घर में चुप बैठे तो मैं कहती हूँ कल को बारी आपकी भी आएगी, और फिर आप ये उम्मीद मत करना कि उस व्यक्ति ने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई। जिस तरीके से लोग बोलते हैं संगठित बनो संघर्ष करो, और ये संघर्ष तो सभी लोग कर ही रहे हैं अपने अपने स्तर पर, चाहे वो पे बैक करके कर रहे हैं चाहे शिक्षा से कर रहे हैं, लेकिन संगठित होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आज अगर हम लोग बात करें तमाम संघों की, तो तमाम संघ तो एक हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग आज अलग अलग मंचों पर नज़र आते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाएँ। और जिस तरीके से नीलम बोध ने बात करी कि मुझे जिस तरीके की परेशानी हुई, उन्होंने हैशटैग भी चलाया, तो यह लड़ाई सिर्फ नीलम बोध की नहीं है, पूरे देश की बनती है। किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, कितनी परेशानियों को से उन्होंने जूझे, और उसके बावजूद भी उनको उनके मोबाइल्स वगैरह नहीं मिल पाए। नीलम जी नहीं मिल पाए जी, अभी तक नहीं मिले हैं जी, अभी तक नहीं मिले हैं। तो यह कहीं ना कहीं जो है जो पुलिस का है वह कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार नज़र आता है और दुराचार नज़र आता है, और इस तरीके की एक्रोसिटी ना हो, इस तरीके की चीज़ें ना हो। आप चाहते हैं बहुजन मीडिया मजबूत हो, तो कहीं ना कहीं बहुजन मीडिया को आप लोगों ने ही मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।